हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बायोलॉजी के जो सिर्फ चैप्टर पढ़ा रहे थे, ये मेरा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो वो जो वीडियो हमने अपलोड कर लिया उसको पहले आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम कोशिका बता दिए थे, ई कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति बता दिए थे, कोशिका द्रव्य बता दिए थे। अब हम आपको बताए थे कि कोशिका के अंदर ये बहुत सारे जो इतने कोशिकांग है, ई कोशिका के अंदर एक गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है जिसे हम कोशिका द्रव्य बोले थे। उसी कोशिका द्रव्य में ये सारे कोशिका बिखरे हुए थे, डूबे हुए थे। तो हम एक एक वीडियो में बताए थे कि सारे एक एक अंग के बारे में हम एक एक वीडियो में बताएंगे। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर आप लोग चर्चा करते हैं, यानी कोशिका के केंद्रक पर। तो देखिए, कोशिका के केंद्रक क्या होता है। तो जंतु कोशिका के अगर हम लोग बात करें, तो जंतु कोशिका को जूम करके देखा जाएगा तो उसकी कोशिका का जो केंद्रक है डबल झिल्लियों से घिरी रहती है, मतलब इसमें दो गो झिल्ली लगा रहता है और यह प्रायः मध्यवर्ती क्षेत्र यानी बीच में होती है। लेकिन पादप पेड़ पौधों की कोशिका अगर देखिएगा तो उसका केंद्रक मध्य में ना होकर प्रायः वो कहाँ होते हैं, तो परिधीय भाग में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केंद्रक के बारे में और है कि जैसे कुछ कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या एक से ज़्यादा भी मतलब हो सकती है। अब यहाँ पर एक देखिए, अगर केंद्रक को इसमें से लेके कोशिका को केंद्रक में से मान लीजिए निकाल लिया जाए और उसको फिर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जूम किया जाए, तो केंद्रक को अगर जूम करके देखा जाएगा तो इसमें भी बहुत एक गाढ़ा विशेष पदार्थ पाया जाता है जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहे थे, जिसे कोशिका द्रव्य कहे थे। कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाएगा तो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर द्रव्य पाया जाएगा केंद्रक द्रव्य, और दोनों मिला के बोला जाता है पूरा को जीव द्रव्य। अब कोशिका के केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अगर अंदर देखा जाएगा तो इसके ही अंदर पाया जाता है क्या, तो गुण सूत्र। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुण सूत्र, क्रोमोसोम। अलग अलग जीव जंतुओं में, अलग अलग पादपों में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होती है। जैसे मानव की बात करें तो मानव में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा होती है, क्योंकि गुणसूत्र 23 गुना 46 हुए, लेकिन गुणसूत्र अंदर कहीं भी जोड़ा में ही पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग 23 जोड़ा ही बोलते हैं। अब गुणसूत्र को अंदर देखिएगा तो वही गुणसूत्र में DNA होता है, DNA में वहीं जाइएगा तो जीन होते हैं। गुणसूत्र के अंदर इसमें DNA हो जाएगा, DNA के अंदर क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। यानी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, DNA, जीन वगैरह सब ये पाए जाते हैं। तो ये जीन का जो चैप्टर होता है एक अलग होता है, जो हम कभी गुणसूत्र, DNA, जीन पर एक अलग वीडियो लेके आ जाएंगे। खैर, यहाँ सिर्फ जान जाइए कि कोशिका का जो जीन होता है वो केंद्रक में, यानी केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर जीन के कण स्थिर रहते हैं। अब जीन क्या है, तो जीन की यहाँ बात करें कि जीन होता क्या है, ऐसे है कहाँ, तो केंद्रक के अंदर जो 23 जोड़ा गुणसूत्र है उसी गुणसूत्र पर जीन के बहुत छोटा छोटा कण पाए जाते हैं। तो जीन है क्या, तो जीन है वह भौतिक इकाई है, माने वह सूक्ष्म कण है जो पैतृक लक्षण को अगले पीढ़ी में लेके चला जाता है। यानी माता पिता के जो लक्षण है वो आने वाले अगले पीढ़ी के संतान में लेके चले जाते हैं, जीन का यही काम है। अब बात करते हैं केंद्रक का कार्य का, कि केंद्रक का कोशिका के अंदर क्या कार्य है। तो केंद्रक का अगर कार्य की बात की जाएगी तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जैसे कोशिका में विभाजन होती है, विभाजन मतलब कोशिका टूटना नहीं बल्कि एक कोशिका से दो कोशिका बनाना, मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण करना। तो कोशिका विभाजन का काम हालांकि सेंट्रोसोम का है, लेकिन सेंट्रोसोम जब कोशिका विभाजन करता है तो केंद्रक उसकी मदद करता है। दूसरा काम है यह कोशिकीय क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, माने इसमें जितने भी कोशिकांग है सबका अलग अलग काम है, लेकिन जो केंद्रक है सभी के कार्यों पर कंट्रोल करता है कि किससे कब काम करवाना है, कितनी मात्रा में करवाना है, कब नहीं करवाना है, कौन काम करना बंद कर दिया, सबको देख रेख कौन करता है, केंद्रक। जैसे माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाएगा, किसके देख रेख में, न्यूक्लियस। अगर माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाना छोड़ देगा तो न्यूक्लियस ही उसको इन्फॉर्म करेगा कि अब हमारे अंदर ऊर्जा की जरूरत पड़ गई है, आप ऊर्जा बनाइए। गोल्जी बॉडी का काम है ऊर्जा का परिवहन करना,
अगर किसी अंग में ऊर्जा की कमी हो गई तो ये सूचना न्यूक्लियस के पास आएगी और ये गोल्जी बॉडी को इन्फॉर्म कर देगा, गोल्जी काय को, कि आप जहाँ ऊर्जा की कमी है जहाँ ले जाके परिवहन कर दीजिए। माने जिसका जो काम है, जैसे वैक्यूम जल का संग्रह करता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, सेंट्रोसोम को इसके विभाजन, सभी को देख रेख कौन करता है? न्यूक्लियस, यानी सभी कोशिकांगों को जो काम है उनके कार्यों पर ये केंद्र क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब उसके बाद एक और काम है कि जो हम आपको जीन बताए कि केंद्र के अंदर गुणसूत्र पर जीन के कण बैठे हुए हैं, तो जीन का काम है माता पिता के लक्षण को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर देना, लेके चले जाना। तो जीन का भी ये केंद्र क्या करता है? सहायता करता है, यानी गुणसूत्र पर जो जीन के कण पाए जाते हैं, जीन जब पैतृक लक्षण को अगली पीढ़ी में लेके जाता है तो केंद्रक उसका मदद करता है। यहाँ हम जीन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी अभी नहीं दे रहे, सिर्फ जीन का एक काम है वही सुन लीजिए कि पैतृक लक्षण को ये नेक्स्ट पीढ़ी में लेके जाएगा। वैसे जीन का अध्ययन जिस चैप्टर में करते हैं, माने जिस चैप्टर में बायोलॉजी के जिस चैप्टर में जीन का अध्ययन करते हैं उसे जेनेटिक्स कहते हैं, आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स पर हम एक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कोशिकांग को लेकर आएंगे। थैंक यू।